नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर जनपद के कस्बा शिकारपुर में नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी को हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसे लेकर सफाई कर्मचारी और ग्रामीण युवकों में जमकर लात घूंसे चले। विवाद में दोनों पक्षों के एक एक लोग घायल हो गए। परिजनों ने डॉक्टर पर हायर सेंटर रेफर करने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं, युवा और पुरुष अपना वोट डालने पहुंचे। देखने में आया कि विकलांग एवं उम्र के आखिरी पड़ाव में अपना जीवन यापन कर रही बुजुर्ग महिलाएं भी रिक्शे में बैठकर वोट डालने पहुंची। युवाओं और बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए बधाई के पात्र है। उन्होंने व्यापक तैयारी की, व्यापक प्रचार प्रसार किया। जैसा कि आपने कहा कि एक पार्टी का मैं सदस्य हूँ, तो राष्ट्रीय तरफ सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश के नागरिकों के सामने हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे, इसके लिए उनके अंदर एक जागरूकता है, एक भावना है, राष्ट्रीयता को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। एक तो देश का सशक्त नेतृत्व होना जो मुद्दा है, दूसरा शांति बनाए रखना। टेररिज्म पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है उस पर कार्य जो चल रहा है वो, और साथ में देश की जो प्रगति हो रही है सरकार के साथ, ये जो मुद्दे हैं वो सरकार चला रही है और उनको पूरा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर रावत संगज लोकसभा 80 के प्रत्याशी भगवती चौधरी के समर्थन में 54 ब्लॉक के कौन चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि तेज धूप के मद्देनजर सभा स्थल के पंडाल में कई दर्जन पंखे व कूलर लगाए गए थे। सोनभद्र में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनसभा स्थल पर पहुंचे। उनसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव बाजीराव खंडे भी आए और सभा को संबोधित किया। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम को आतंक का पर्याय बने टाइगर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। गांव में आए टाइगर ने दो लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू कर खेतों में ही टाइगर को बेहोश कर दिया और डॉक्टरी परीक्षण के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व ले गए। टाइगर को पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।